जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का डॉक्टर ओमचो यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है, आभार है। यदि दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से आप नहीं जुड़े हैं, तो आप सभी से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल से जुड़ जाए, ताकि आपको हमेशा निःशुल्क ज्योतिष परामर्श के साथ साथ मोटिवेशनल वीडियो और ज्योतिष के बारे में वो सभी जानकारी सरलता से और सहजता से हासिल हो जाए। चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को जुड़ें और कमेंट्स में जय श्री महाकाल या जो भी आपकी राय हो जरूर लिखें। उसी कड़ी में हम आज आपकी राशि के लिए बात करने वाले हैं कि वास्तु दोष एक बहुत बड़ी समस्या है। लोग वास्तु दोष के लिए कई सारी परेशानियां हैं, तो वास्तु दोष से संबंधित आज बहुत सारे प्रश्नों के मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको जवाब दूंगा और शायद आपकी सब परेशानियाँ हल हो जाएगी। सबसे पहला जो एक भ्रम है दक्षिणमुखी घर का, दक्षिणमुखी घर है दोस्तों, बहुत गलत भ्रम है ये। एक बात सबसे पहली बता दूं, दक्षिण मुख का जो ग्रह है वो लगभग हमारे देश के 80 से 75% लोगों पर वो फलीभूत होते हैं, मतलब वो अच्छे होते हैं। उसमें जीवन में बहुत सारी परेशानियां हैं तो वो परेशानी हल हो जाती है। और दक्षिणमुखी का जो मकान है, सिर्फ वो हमारा मन का वहम है, वो बहुत शुभ मकान होता है। और दक्षिणमुखी के मकान में कई सारे लोग, आप जितने भी महान हस्तियां हैं, जितनी भी हस्तियां हैं, उनका आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, सभी का घर दक्षिणमुखी है। उनका पैतृक घर या उनका जो भी, जहाँ से उनकी शुरुआत हुई है, वो रूम हो, कमरा हो, मकान हो, किराए का मकान हो, या कहीं से भी हो, दक्षिणमुखी है। तो अपने मन से ये भ्रम हमेशा निकाल दीजिए कि ये घर तो दक्षिणमुखी से नहीं लेना चाहिए। दोस्तों, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है ज़िंदगी का कि दक्षिणमुखी घर मैंने अनुभव किया, रिसर्च किया कि दक्षिणमुखी जो घर है वो हर व्यक्ति को, भारतीयों को, खासकर भारतीयों को बहुत ज़्यादा फलीभूत है। चाहे वो किसी भी देश में रहे, लेकिन वो भारत के वासी हैं, या जो हमारी जो कंट्री है, जितना भी नेपाल हुआ, भारत, अफगान, ये जो एरिया है हमारा, जो भारत है, पूर्व अखंड भारत, वो एरिया के जो लोग हैं उनके लिए खासकर। तो सबसे पहली और मुख्य बात, इस बात को अच्छे से बिठा लें कि वास्तु दोष में कहीं भी इस चीज़ का जिक्र नहीं है कि दक्षिण दिशा में मकान नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अगर ओवरऑल जब ज्योतिष के, जब गोपनीयता में जब जाया जाता है, डीपली में जाया जाता है, तब एक बात बाहर निकल के आती है कि अगर आपको उन्नति चाहते हैं तो दक्षिणमुखी का मकान ले। दूसरी बात है, अब मान लीजिए बहुत सारी परेशानी हो रही है, घर तो इस तरह से है, कोष निकला है, कोण निकला है, नहर मुखी है, गाय मुखी है, कई सारे तकलीफें होती हैं, कुछ मत करिएगा। पंचमुखी हनुमान की एक फ़ोटो लाए, बाज़ार में मिल जाती है 5-10 रुपए की, पोस्टर टाइप में, वो अपने दरवाजे में, जो जैसे एंट्री दरवाज़ा होता है घर के बाहर, नहीं, जो भी पहला रूम हो वहाँ जस्ट सामने वाली दीवार पर आप उसे चिपका दीजिएगा, ताकि कोई भी व्यक्ति अंदर आए तो सबसे पहले नज़र वहाँ जाए, मतलब इस तरह का मेरा कहना है। तो अगर दोस्तों आप ये करते हैं तो सभी वास्तु दोष आपके निवारण हो जाएंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना कमेंट जरूर करें। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।